छतरपुरा में गेहूं खरीदी घोटाले के मामले में सेशन कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। कोर्ट ने 10 आरोपियों को दोषी मानते हुए 7-7 साल की सजा और 5-5 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले में पिपरिया नपा अध्यक्ष नीना नागपाल के पति शाखा प्रबंधक राजेंद्र दुबे समेत 8 आरोपी थे। जानकारी के मुताबिक साल 2013 में विपणन सहकारी समिति मर्यादित पिपरिया ने किसानों से गेहूँ खरीदा था, जिसमें करीब 1,416.19 क्विंटल गेहूं कम निकला और इसके अलावा 1,628 क्विंटल गेहूं अमानक स्तर का उपार्जित किया गया, जबकि परिवहन के दौरान 185 क्विंटल गेहूं की कमी पाई गई, जिसकी वजह से निगम को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। यह हमारा वर्ष 2013 में विपणन सहकारी समिति मर्यादित पिपरिया ने गेहूं किसानों से गेहूं खरीदा था, उसमें 1,416.19 क्विंटल गेहूं कम परिदत्त किया गया और 1,628.86 क्विंटल अमानक गेहूं स्तर का गेहूं उपार्जित किया गया और 185.02 क्विंटल का गेहूं की कमी पाई थी। इन कमियों को जो कमियां पाई गई उनके आधार पर हमारे सहकारी निरीक्षक प्रकाश बत्रा ने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया और वरिष्ठ अधिकारियों ने जब जांच वगैरह करी तब उन्हें पिपरिया थाने में इस समिति के सदस्य और संचार प्रबंधक के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का रहा। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई और विवेचना करी पुलिस ने और संबंधित आरोपी गणों के खिलाफ में चालान पेश किया और माननीय न्यायालय ने आज विचारण के दौरान और समस्त अभियोजन साक्षियों के परीक्षण के बाद समस्त अभियुक्त गणों को धारा 409 में दोषी पाया है और उन्हें सभी अभियुक्त गणों को धारा 409 में 7-7 साल का शासन का आवास और 5-5 हज़ार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।